जय हिंद दोस्तों। रीसेटलमेंट कोर्स फरवरी और मार्च में, अभी अगर जिसको अगले साल अक्टूबर तक रिटायर होना है तो वो रीसेटलमेंट कोर्स आ चुके हैं। रीसेटलमेंट कोर्स 2022 के लिए जो अक्टूबर में सितंबर में रिटायर होने वाले हैं, अगस्त तक रिटायर होने वाले हैं, उनके लिए रीसेटलमेंट फरवरी और मार्च के बारे में पूरी डिटेल देने वाला हूँ। इससे पहले बता दें, कंप्यूटर की कई कोर्स ऐसे हैं जो कंप्यूटर कोर्स आए हैं जो रिटायरमेंट के बाद आपके बहुत ही कोई जॉब में काम आने वाले हैं। इसके बाद योगा कोर्स भी है, कई तरह के कोर्स हैं। तो हम बात करते हैं फरवरी में जो रीसेटलमेंट कोर्स आए हैं, भूतपूर्व सैनिक जो बनना चाहते हैं या रिटायर होना चाहते हैं उनके लिए वो कोर्स के बारे में बात करेंगे। तो देखते हैं जो फरवरी में रीसेटलमेंट कोर्स आए हैं, किस कौन कौन एलिजिबल हैं, किसके किसके लिए, बता दें जो फरवरी में रीसेटलमेंट कोर्स आए हैं, जो रिटायर हो रहे हैं अगले साल मार्च अगस्त से आगे, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक जो रिटायर हो रहे हैं उनके लिए है, जो कि अगस्त से पहले रिटायर हो रहे हैं वो नहीं कर सकते क्योंकि उनका टाइम इतना बचा नहीं है। तो फरवरी के लिए जो रीसेटलमेंट कोर्स हैं फरवरी महीने में होने वाले हैं 2022 में, उनके बारे में बात करें जो सबसे अच्छे और फायदेमंद है। रिटायरमेंट होने के बाद आपको नौकरी मिल सकती है या कहीं आप कोई जैसे डेयरी फार्म खोल सकते हो अगर वो सर्टिफिकेट है। तो सबसे पहले बात करेंगे डेयरी फार्म सुपरवाइजर के लिए जो कोर्स है वो मेरठ में होना है। तो मेरठ में जो वैकेंसी है काफ़ी बड़ी मात्रा में 40 वैकेंसी है, जो भी मेरठ साइड के हैं तो वो अप्लाई कर ले। 200 यानी कि 9 वीक का कोर्स होगा, ये ध्यान रखें 9 वीक का कोर्स होगा। इसमें 12th पास होना चाहिए जो भी आर्मी या एयरफोर्स या नेवी से रिटायर होना चाहते हैं और रीसेटलमेंट कोर्स करना चाहते हैं। इसके बाद सर्टिफिकेट इन मल्टीमीडिया डेवलपमेंट का भी कोर्स है, ये भी 12 वीक का है और नई दिल्ली में होना है। इसके बाद चंडीगढ़ में भी है, गांधी नगर में जो कोर्स है डिप्लोमा इन मार्केटिंग एंड सेल्स मैनेजमेंट। इसके बाद ओ लेवल का कंप्यूटर कोर्स है जो ओ लेवल का होगा, ये कोर्स चंडीगढ़ में होगा, समझ लो ओ लेवल का कोर्स जो है चंडीगढ़ में होगा। इसके 26 वीक का कोर्स है, 26 वीक का कोर्स है, तो 50 वैकेंसी है इसमें चंडीगढ़ में। इसके बाद वेयर हाउस सुपरवाइजर का भी कोर्स है, वो भी कर सकते हैं और वो कोर्स है लखनऊ में वेयर हाउस सुपरवाइजर का। तो जो भी यूपी के लखनऊ के आसपास हैं वो कोर्स कर सकते हैं और अपना घर से आना जाना कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा रहता है। लास्ट में आपको कोर्स भी मिल जाता है और आपको घर में रहने का मौका भी मिल जाता है। ओ लेवल का एक और कोर्स है पटना में जो बिहार में पड़ता है, बिहार के लोग भी अप्लाई कर लें। 50 वैकेंसी हैं, 50 वैकेंसी में जो 26 वीक का कोर्स है, 26 वीक का ध्यान रखें, 12th 10th पास होना चाहिए। अगर 12th पास हैं तो 12th पास भी और 10th और ITI हैं तो वो भी कर सकते हैं। इसके बाद नीलिट ने ओ लेवल का एक और कोर्स किया दिया है जो कि चेन्नई में, जो तमिलनाडु के लोग हैं वो चेन्नई के लिए 50 वैकेंसी हैं। नीलिट का कोर्स है ओ लेवल का जो कि किसी भी जॉब में कंप्यूटर सर्टिफिकेट मांगता है तो तुरंत आप दे सकते हैं। ओ लेवल बहुत बढ़िया सर्टिफिकेट होती है, हर जगह मान्य है, वैलिड है, 12th पास होना चाहिए इसके लिए। एक है ओ लेवल का कोलकाता में कोर्स जो कि 50 वैकेंसी है, 26 वीक का कोर्स होगा। एक ओ लेवल का और भी कोर्स है औरंगाबाद में जो 50 वैकेंसी जिसमें भी है और 26 वीक का टेस्ट कोर्स है टोटल, इसमें 12th पास होना चाहिए ध्यान रखें। नीलिट का एक कोर्स है लखनऊ में जो ओ लेवल का है, ओ लेवल कंप्यूटर कोर्स, ये भी 50 इसमें वैकेंसी है और 26 वीक का कोर्स होगा, 12th पास हो या फिर 10th पास विद ITI। तो 12th पास है उनके लिए तो ITI जरूरत नहीं, लेकिन जो 10th है उनके लिए ITI की जरूरत पड़ सकती है। इसके बाद बात करेंगे ओ लेवल का है नई दिल्ली में कोर्स, तो जो भी नई दिल्ली के आसपास है वो अप्लाई कर लें, घर से आना जाना कर सकते हैं और 6 महीने का लगभग कोर्स होता है। ओ लेवल का एक जम्मू में भी कोर्स है, 50 वैकेंसी हैं,
जम्मू में जो भी कंप्यूटर कोर्स के लिए रीसेटलमेंट कोर्स करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। एक भुवनेश्वर में है वो लेवल का कोर्स, जिसमें 50 वैकेंसी हैं जो भुवनेश्वर के आसपास के हैं वो अपना कर सकते हैं। विशाखापट्टनम में है योगा कोर्स, योगा कोर्स जो करना चाहते हैं विशाखापट्टनम में कर सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे देहरादून में भी एक कोर्स है, इसमें 40 वैकेंसी है, 12 वीक का कोर्स है, जो देहरादून के आसपास है वो कर सकते हैं। तो इसमें टोटल फरवरी में 1110 वैकेंसी हैं, जिसको वो कोर्स करने हैं वो कर सकता है, बहुत अच्छा रहता है, जिससे रिटायरमेंट में आपको फायदा भी मिल सकता है। इसके बाद मार्च की बात करें, मार्च में भी ओ लेवल का नई दिल्ली में कोर्स है, चंडीगढ़ में है दूसरा कोर्स है। इसके बाद बात करेंगे डिप्लोमा एंड एक्सपर्ट एंड इम्पोर्ट मैनेजमेंट का कलकत्ता में है, और ओ लेवल का कोर्स है पटना में, मेरठ में है योगा इंस्ट्रक्टर कोर्स, जो कि योगा के टीचर बन सकते हो आप किसी इंस्टीट्यूट में, या किसी अगर ये कोर्स कर लिया तो किसी स्कूल के में आप योगा सिखा सकते हैं। इसके बाद नोएडा में भी कोर्स है, तो जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं। इसके बाद चंडीगढ़ में ओ लेवल CHM का कोर्स है, तो ध्यान रखें CHM ओ लेवल, तो जिसमें मार्च में 550 वैकेंसी हैं। तो ये कोर्स करने से आपको ये फायदा है, एक तो लास्ट में आप घर में रह सकते हैं, इसके बाद दूसरा सबसे बड़ा फायदा कि जॉब के लिए आपको बहुत बेनिफिट हो सकते हैं। कई ऐसे कंप्यूटर कोर्स बहुत बड़ी मात्रा में फरवरी में कंप्यूटर कोर्स के लिए वैकेंसी आई हुई है, तो आप रीसेटलमेंट कोर्स जरूर करें। जो भी रिटायर होने वाले हैं वो पक्का ध्यान दें कि रीसेटलमेंट कोर्स कर लें, जिससे कि आपको बेनिफिट ही बेनिफिट है। हमारे चैनल में इसी तरह से रोजगार से संबंधित वीडियो मिलते रहते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे भी जॉब से रिलेटेड वीडियो मिलने वाले हैं। थैंक यू, जय हिंद।